दोस्तों, कई बार हमारे स्मार्टफोन को स्लो होने की समस्या झेलना पड़ता है। अधिकतर समस्या एंड्रॉइड फोन के अंतर्गत आती है। अधिकतर ये समस्या एंड्रॉइड फोन में आती है, लेकिन जब हमारा फोन नया होता है तब ये समस्या नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे पुराना होता जाता है ये समस्या होती आती है। लेकिन कभी कभी बताया जाता है कि कभी कभी एक्सपर्ट की माने तो यह समस्या रैम की होती है, क्योंकि रैम हमारा कम होता है और हम ढेर सारे ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके अलावा कभी कभी होता क्या है कि हम ढेर सारे ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं, कुछ ऐप ऐसे होते हैं जो कि बहुत हैवी होते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसमें कुछ पॉइंट को नोट आउट करेंगे कि कैसे हम लोग अपने मोबाइल की स्पीड को, अपने स्मार्टफोन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अपने ऐप कैचे को डिलीट करें। दोस्तों, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हम लोग फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ढेर सारे ऐप को इंस्टॉल करते हैं, और होता क्या है इसके कैचे को डिलीट कर सकते हैं। जैसे हम लोग गूगल क्रोम हो गया और कुछ ऐसे ब्राउजर्स होते हैं तो उसकी हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं। ऐसा ये समझिए कि जैसे हम लोग कैचे डिलीट कर देते हैं तो हमारी स्पीड मोबाइल की बढ़ जाएगी। ऐप के लाइट वर्जन को इंस्टॉल करें। दोस्तों, होता क्या है कि जब भी हम लोग ऐप को इंस्टॉल करते हैं, मान लीजिए फेसबुक अगर हम यूज कर रहे हैं तो फेसबुक का लाइट वर्जन भी आपको मिल जाएगा। अगर आप इंस्टा यूज कर रहे हैं तो इंस्टा भी आपको प्ले स्टोर पे लाइट वर्जन मिल जाएगा। तो आप कभी भी लाइट वर्जन ऐप को इंस्टॉल करें और अपने मोबाइल की स्पीड को बढ़ाएं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट। दोस्तों, अपने फोन को अपडेट करें। हमारा थर्ड पॉइंट है कि अपने फोन को अपडेट करें। दोस्तों, होता क्या है कि हमारे फोन में ढेर सारी समस्याएं आती रहती है, और फोन को अपडेट करने के लिए कंपनी हर 2 से 3 महीने में कंपनी की तरफ से अपडेट आता है और एंड्रॉइड की तरफ से आते हैं, और कुछ अपडेट कंपनी की तरफ से आते हैं। होता क्या है कि हमारे फोन के अंदर कभी कभी बग होते हैं, जो कि आप लोग जानते हैं कि मोबाइल और कंप्यूटर के अंदर अगर कोई कमी हो तो उसको बग कहते हैं, और कंपनी की तरफ से यह बग को दूर कर लिया जाता है जिससे हमारा स्मार्टफोन बेहतर चलता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। होता क्या है कि हमारे पास जो ओल्ड फोन होते थे उसमें हम लोग क्या काम करते थे कि SD कार्ड का यूज करते थे, लेकिन आज के समय में हमारे पास 32 GB, 64 GB, 128 GB की इस तरह से इंटरनल मेमोरी आ रही है। लेकिन अगर आपके पास फोन में SD कार्ड लगाए हुए हैं तो अपने SD कार्ड को अपना बैकअप लेने के बाद जरूर फॉर्मेट करें और अपनी स्पीड को बढ़ाएं, और उसके बाद हमें कमेंट करें कि स्पीड हमारी बढ़ी कि नहीं बढ़ी। दोस्तों, एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, अगर हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। बढ़ते हैं अगले पॉइंट। तो होता क्या है कि अपने फोन को रिस्टार्ट करें। दोस्तों, होता क्या है कि कभी कभी हम लोग क्या काम करते हैं कि हमारे लोग का फोन 1-1 महीने, 2-2 महीने, 4-4 महीने, कभी कभी 1-1 सप्ताह तक रिस्टार्ट ही नहीं होता है। तो अपने फोन को रिस्टार्ट करें। होता क्या है कि जैसे कुछ कैचे ऐसे हैं, कुछ ऐसे पॉइंट है जो अपनी जगह सही जगह नहीं पहुंच पाते, तो एक बार अपने फोन को रिस्टार्ट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका फोन अच्छा बेहतर फील करता है और आपका स्मार्टफोन की स्पीड बढ़ जाती है। तो अगला पॉइंट है क्लाउड स्टोरेज को उपयोग करें। दोस्तों, हम लोग फोटोज वगैरह, ये सब फोटोज या वीडियोज अपने मोबाइल फोन में होते हैं तो हम ढेर सारे बैकअप को रख लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारे फोन में स्टोरेज की वजह से हमारा फोन स्लो हो जाता है। तो दोस्तों, आप अपने फोन में जो भी आपका डाटा है उसको क्लाउड स्टोरेज पर रखें और आपके फोन की स्पीड बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट, जो कि लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, दोस्तों, आप अपने फोन को अगर इन सभी प्रयोग, जितने भी मैंने पॉइंट बताए हैं, इन पॉइंट को अगर प्रयोग करने के बाद भी अगर आपका फोन जो है फिर भी स्लो चल रहा है तो आप अपने फोन को रीसेट करें। लेकिन एक बात और बोलना चाहूंगा, जब भी आप फोन को रीसेट करें तो अपने फोन का जो भी डाटा है उसका बैकअप जरूर ले लें। इन सभी पॉइंट को, जो भी मैंने पॉइंट बताया, इन पॉइंट में से कौन सा सबसे अच्छा पॉइंट आपको लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें।